श्री सराफा कमेटी की एक बैठक बाजारगंज स्थित गणपति चौक पर किशन कुमार अग्रवाल के प्रतिष्ठान पर आयोजित की गई। श्री सराफा कमेटी की इस बैठक में सराफा व्यापारियों को होने वाली समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। सराफा कमेटी की बैठक में कई पहलुओं पर चर्चा करते हुए सराफा व्यापारियों ने अपनी बात रखी और अपनी परेशानी को बताते हुए कमेटी को अवगत कराया, जिस पर सराफा कमेटी से जुड़े पदाधिकारियों ने व्यापारियों को होने वाली समस्याओं को जल्द सुलझाने की बात कही। बैठक में मुख्य रूप से HUID, BIS, रजिस्ट्रेशन आदि के किसी भी प्रशासनिक सर्वे को लेकर विचारों का आदान प्रदान किया गया और उनसे होने वाली परेशानियों पर चर्चा की गई। धर्म कांटे को लगवाने की व्यवस्था करने पर भी चर्चा करते हुए सराफा व्यापारियों द्वारा अपने अपने विचार रखे गए और बाहर से आने वाले व्यापारियों को सुरक्षा देने की बात पर भी चर्चा की गई। सराफा कमेटी की इस बैठक में मुख्य रूप से दीपक अग्रवाल, अतुल अग्रवाल, मोहित अग्रवाल, आकाश रस्तोगी, अंकुर रस्तोगी, सुनील वर्मा, सोनू वर्मा, अक्षय वर्मा, वैभव अग्रवाल, ललित वर्मा, अंशुल रस्तोगी, दीपांशु अग्रवाल, राजेंद्र वर्मा, विपिन कुमार लंकेश, अनिल कुमार, रविंद्र राघव, अमित वर्मा आदि विशेष रूप से मौजूद रहे। देखिए, इसमें विभिन्न विभिन्न विचारों पर फैसले लिए गए हैं और अभी बातचीत भी चल रही है। इसमें मुख्य एजेंडा एक व्यापारियों के सामने BIS टोल मार्ग का आता है, जिसमें छोटे व्यापारी उससे ज़्यादा प्रताड़ित हैं और उन्हें व्यापार करने में भी अड़चन आ रही है। तो हम ये चाहते हैं कि कुछ गवर्नमेंट से जो इसमें नियम कायदे बनाए गए हैं, थोड़ा सा उसमें बदलाव चाहते हैं। हम सरकार को ज्ञापन के माध्यम से उन बदलावों को अवगत करवाएंगे और सरकार से ये मांग करेंगे कि इन हमारे जो 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 विचार हैं, जो हम बदलाव चाहते हैं, उन पर ध्यान दिया जाए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार सराफ बाजार गए। क्या मीटिंग हुई यहाँ पे, क्या बताएंगे? देखिए, ये मीटिंग ऐसा है कि बाजार में जो सराफा लोग सराफा के बिजनेस करते हैं, उनको उनके माल की चेकिंग करना सरकार का अधिकार है, हम ये नहीं कहते। लेकिन मुश्किल ये होती है कि एक बहुत छोटा व्यापारी जो मुश्किल से उसके पास 10 ग्राम माल नहीं है, वो जो भी माल लेके बेचता है बड़े व्यापारियों से बेचता है। तो हमारा निवेदन ये है कि जो भी व्यापार पहले वो बाज़ार में आए और चेकिंग करें, लेकिन वो चेकिंग उन छोटे छोटे व्यापारियों से ना करके सबसे पहले उन बड़े व्यापारियों से करें जो माल उनसे ले जाते हैं, करें उनका सैंपल लें और सैंपल ले जाने के बाद जो भी रिजल्ट हो, जो सरकार का प्रावधान है उसके हिसाब से करें। लेकिन हम छोटे छोटे व्यापारियों को, वो बेचारे क्या करें, जो दिन में सारे दिन में कुछ भी काम नहीं करते कर सकते, इस मध्य में उनको आप क्यों उनको सारी परेशानी उन्हें भुगतनी पड़ती है। अगर वो डुप्लीकेट मोहर का माल उससे ला के बेचते हैं तो बदनाम वो है, बदनामी उनकी है और आखिर में घाटा भी उन्हें उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो उनका कस्टमर है वो माल उन्हीं को तो ला के देगा, वो नहीं जानते। अब रही पर्चे की बात, आपको कोई पर्चा नहीं देगा इस बात का कि मैंने थोक वाला कोई पर्चा देखा कि मैंने डिटेल में इन्हें सौदा दिया, नहीं दे। तो इस चक्कर में हमारा मीटिंग भी नहीं है और इस चक्कर से हमें लेना देना नहीं है। हमें तो अपने बाज़ार की पारदर्शिता लानी है, हमारे बाज़ार में अच्छे से अच्छा माल बिके, हमारे व्यापारियों को कोई परेशानी ना हो, उनके साथ कोई बदसलूकी ना हो। इसके लिए हम इन सरकारी प्रशासन अधिकारियों से यही कहेंगे, पहले आएँ अध्यक्ष महोदय को या किसी जो कमेटी में हो उन लोगों को लें और सबसे पहले जो बड़े व्यापारी हैं उनके यहाँ का नमूना भरें, उसके बाद जो रिजल्ट हो उसको। इन छोटे व्यापारियों से हमको विचारों के पास उनके पास है ही नहीं, और वो जब बेच ही नहीं रहे हैं, लेके बेच रहे हैं, तो हम उन्हें क्यों